भवर सिंह बलावत निर्विरोध सरपंच संघ ब्लॉक सहेला के अध्यक्ष निर्वाचित व ओटवाला सरपंच दीपारा मेघवाल जिला प्रतिनिधि तो सैल सिंह राजपूत महामंत्री निर्वाचित सहेला पंचायत समिति सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की 45 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों की मौजूदगी में सरपंच संघ की कार्यकारिणी को लेकर प्रधान ढोमी देवी राजपूत के मुख्य अतिथि में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पर्यवेक्षक रेसाराम सुंदेसा व दलाराम की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। सभी सरपंचों ने सर्वसहमति से सरपंच संघ का चुनाव किया, जिसमें आंवले सरपंच भवर सिंह बालावत को निर्विरोध रूप से सरपंच संघ सहेला का अध्यक्ष चुना गया। ओटवाला सरपंच दीपाराम मेघवाल को जिला प्रतिनिधि, डाबली सरपंच हनुमान राम देड़ू व मांडवला सरपंच सोनलाल को उपाध्यक्ष, वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर तुरा सरपंच संद्रा राठौड़ और तिलोड़ा सरपंच भावना देवी सांखला निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसी तरह महामंत्री पद पर बैरठ सरपंच सैल सिंह राजपुरोहित, संगठन मंत्री पद पर आलासन सरपंच प्रियंका मेघवाल, कोषाध्यक्ष पद पर बावतरा सरपंच पारसमल राजपुरोहित, प्रवक्ता पद पर आसाना सरपंच पीराराम, कार्यकारिणी सदस्य खेतलावा सरपंच हजाराम, सिराना सरपंच समीराराम देवासी, तेजाकी बेरी सरपंच सीधाबानु, थालियाना सरपंच हस्तिमल परियार, सायला सरपंच रजनी कंवर, जीवाना सरपंच उद्यम सिंह दवेसा व वालेरा सरपंच संद्रा मेघवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस मौके पर प्रधान राजपूत ने सभी सरपंचों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष भवर सिंह बालावत ने सभी सरपंचों की ओर से बोलते हुए कहा कि हमें सभी एकजुट रहकर अपने क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित करने हैं। उन्होंने सभी सरपंचों का आभार जताते हुए भविष्य ने संघ के कार्यों को लेकर हमेशा तत्पर रहकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान सरपंच संघ ने प्रधान ढोमी देवी का सम्मान भी किया। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी जसवंत सिंह बालावत, एलाना सरपंच गीता मेघवाल, पोषणा सरपंच पिंटू देवी, सापाड़ा सरपंच हुकुम सिंह, देताकला सरपंच आसाराम राणा, मेंगलवा सरपंच केराराम राणा, उम्मीदाबाद सरपंच आशा कुमारी सहित सरपंच गण मौजूद रहे। संगठन मंत्री श्री प्रियंका मेघवाल सरपंच आलासन, कोषाध्यक्ष श्री पारस मंत्री सरपंच रावतर, प्रवक्ता श्री तीराराम जी सरपंच आसाना, सदस्य श्री आजाराम जी सरपंच केतलावास, सदस्य श्री हीराराम जी निवासी सरपंच सिराना, सदस्य श्री तीराराम सरपंच तेजाकी देवी, सदस्य श्री हस्तिमल जी सरपंच कागेना, सदस्य श्रीमती रजनी कौर सरपंच सायलों, सदस्य श्री उत्तम सिंह जी सरपंच दीवाना, सदस्य श्री सरपंच आप सभी निवेदन करूँगा मैं बी साहब से कि अध्यक्ष श्री भवर सिंह जी का मैं निवेदन करूँगा श्री जसवंत सिंह जी का नाल्यार्पण जनप्रतिनिधि पधारे हुए हैं, मीडिया कर्मी संघ एक एकता का प्रतीक है और इस संघ के नाते मैंने कर्मचारी जगत में भी पटवार संघ, कानून संघ और महासंघ का नेतृत्व करने का मुझे जिम्मेदारी दी और रिटायर होते ही मैं पंचायती राज की तरफ सरपंच के लिए सुना गया और आज आपने एक नई जिम्मेदारी और मुझे सौंप दी। साथियों बहनों, कई बातें मधुर संबंध रखते हुए अधिकारियों अपन से ऊपर प्रधान प्रमुख एमएलए एमपी के साथ में बैठकर चर्चा करके कई समस्याओं का समाधान अपन टेबल पर कर सकते हैं। संघर्ष करने के पहले संघर्ष जब किया जाता है, जब अपन को किसी भी सरकार की तरफ से या अधिकारी जी की तरफ से मजबूर किया जाता है, तो मेरा तो सभी से है
कि आप बधाई शुभकामनाएं। देर आए गुरुस्थाई अपने चुनाव होती जनवरी 2020 को हुए थे, करीब 3-4 दिन का वक्त अभी उसमें बाकी है, बाकी लगभग साल हो गया था बिना कार्यकारिणी के हम चला रहे। इस परिप्रेक्ष्य में 2-4 बार आप सब यहाँ एकत्रित भी उम्मीद करते हैं कि सभी एक राय से एक मन से आप केवल सरपंच संघ को मजबूत करने के लिए काम नहीं करेंगे, आप पंचायत राज को मजबूत करने के लिए काम करेंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। अपना विभाग है, अपन परिवार जो उसके हिस्सेदार पंचायत स्तर पर आप हम हमारे ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ब्लॉक पर प्रधान जी और हमारी पूरी टीम होती है, जिला स्तर पर प्रमुख जी होते हैं, ये सब होते हैं। विभाग की भलाई में अपनी भलाई, विभाग मजबूत होगा। सरकार में दो सरकारें थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1994 में, तब जाके तीसरी सरकार बनी। आप लोगों ने एकता दिखाई, आपने एक मत रहे, उसके सकारात्मक रुझान आपको मिले। कई और ऐसे मामले हैं, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष, संघ के विभिन्न पदों पर जो आपने सर्वसहमति से निर्विरोध सुना है और मुझे भी जिला प्रतिनिधि के तौर पे आपने सुना है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी को, सरपंच संघ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर हमारे सरपंच संघ के हकों की आवाज़ के लिए हम सब मिलकर आगे आवाज़ उठाते रहेंगे। हम अधिकारियों से अच्छा मेल मिलाप रखेंगे, उनसे हमारी सरपंचों के प्रति जो भी कोई काज कार्य जो भी है उनसे मिलकर हम बैठकर अच्छा निर्णय लेंगे और हम